देखिए आज झारखंड महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो जाएगा। हमारे साथ आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हैं। सर, झारखंड में विधानसभा चुनाव होने हैं, आज तारीख का भी ऐलान हो जाएगा। आप लोग 2019 में जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ था उसमें महागठबंधन में 7 सीटों पर लड़े थे, एक विधायक आपका जीता, वो मंत्री हैं अभी भी सरकार में। इस बार कितने सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा है? देखिए, ये तो झारखंड में महागठबंधन इंडिया गठबंधन के दलों के बैठक के बाद ही तय होंगे कौन कितने सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आरजेडी तो जब संयुक्त बिहार था, झारखंड भी बिहार का अंग था, तो उस समय आरजेडी शासन में रही है, हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद जी। तो झारखंड में उस क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया है हमारी पार्टी ने। आज भी आदरणीय लालू प्रसाद जी हमारी पार्टी का वहाँ वोट है और हमारी ताकत है झारखंड में। तो ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर हम लड़े ये हर पार्टी चाहती है, लेकिन अंतिम निर्णय तो पार्टी का नेतृत्व जब सब लोग बैठेंगे तो तय होगा, लेकिन आरजेडी वहाँ एक मजबूत घटक दल है। आपको उचित भागीदारी चाहिए? हमको उचित भागीदारी तो हमारी मिलती ही रही है। हम वहाँ पर बीजेपी को हराने के लिए एकजुट होकर के लड़ेंगे। लोकसभा में एक सीट मिला था इस बार? लोकसभा में एक सीट मिला। लोकसभा की परिस्थितियां अलग होती हैं और राज्यों के चुनाव में परिस्थितियां अलग होती हैं। हम बिहार, झारखंड, ये सब प्रमुख आरजेडी का गढ़ रहा है यहाँ। क्या सरकार फिर से बनेगी महागठबंधन? वहाँ पर हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में फिर से महागठबंधन की सरकार बननी तय है। बीजेपी तो कह रही है कि घोटाला पे घोटाला हो रहा है, एक से अधिकारी जेल गए, सीएम जेल गए। बीजेपी तो दिवा स्वप्न देख रही है, बीजेपी का अब उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। तो बीजेपी का झारखंड में उल्टी गिनती शुरू हो चुका है ये दावा कर रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, और कह रहे हैं कि हमारी वहाँ ताकत है। सो हम लोगों को ये इच्छा है हमारी कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर लड़ें। कैमरा पर्सन विशाल राय के साथ श्याम कुमार, एबीपी न्यूज़ पटना।